जूम के सेशंस में, जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, कुछ भी अगर हम यूज कर रहे हैं, तो रोज बच्चों को नया दिखाना और इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाना, कैसे दिखाएं, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने जूम सेशन में आइडियल एडएक्सेल प्रोग्राम के कंटेंट को कैसे शेयर कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड जूम का मीटिंग रूम है, तो ये मीटिंग चल रहा है और नीचे ये शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आता है ग्रीन कलर में, ये शेयर स्क्रीन का बटन है, उस पर क्लिक करें तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसमें शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आता है, तो वो स्क्रीन पे क्लिक करें, एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, तो उसको स्टार्ट बोलिए, तो आपको होम स्क्रीन पे ले जाएगा, फ्लिंट का लोगो होगा, उस पर क्लिक करके कोर्स ओपन करें और जिस भी कोर्स के अंदर जाना चाहें तो आप उस कोर्स के अंदर चले जाइए। तो मैं मेरे फेवरेट साइंस के कोर्स में जा रहा हूं, ठीक है, तो कोर्स पे जाके सिलेक्ट करके कोर्स के अंदर गए, कंटेंट पे क्लिक किया और जो वीडियो दिखाना है उस वीडियो पे हम क्लिक करेंगे, वीडियो प्ले होगा और हम यहाँ पे फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, फुल स्क्रीन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो इस प्रकार से ये पूरा वीडियो जो है स्क्रीन में दिखेगा और आपके बच्चे इसको देख सकते हैं। आप इसको पॉज करके एक्सप्लेनेशन खुद का दे सकते हैं, पॉज करिए, प्ले करिए, पॉज करिए, प्ले करिए और समझाइए अपने बच्चों को और लेट देम एंजॉय दिस एक्सपीरियंस।